हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी के टाइम हो रही है रात के 12:30 बजे। एक्चुअली मुझे कुछ वीडियो भी एडिट करनी थी, जो ब्लॉग वाला वीडियो आप देख रहे हो उसको एडिट करनी थी। साथ ही साथ मुझे कुछ असाइनमेंट वगैरह भी लिखनी थी। आप देख पा रहे हैं पूरा बिस्तर का हाल, अभी 4 बजे से लिखना पड़ा हुआ है, तो जिस कारण ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये करते करते फिलहाल टाइम हो गई 12:30। और अभी मैंने ऐसे असाइनमेंट पूरा नहीं किया है, आप सभी देख पा रहे हैं एक ही असाइनमेंट किया हुआ है, और भी बहुत सारे असाइनमेंट अभी बाकी है, तो अभी उसको बाद में करते हैं। फिलहाल अभी आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, तो अभी फ़िलहाल सोते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे डैट सुबह को। फाइनली अभी टाइम हो रही है 8, और जैसे कि आपने देखा सारे कुछ हो चुकी है। इसके पहले मेरे ब्लॉग भी अपलोड करना था, ब्लॉग एक्चुअली अपलोड हो चुकी है। और अभी हो रही है यहाँ पर एडिटिंग टेक वीडियो के लिए, मैंने शूट करके रख लिया था, एडिट करके भी रख लिया था, बस यहाँ से सिर्फ अपलोड करना है। तो फटाफट इसको अपलोड करते हैं, बने रहिए ब्लॉग पर, ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फाइनली अभी टाइम हो गया है 10:30, और एक्चुअली 2 घंटे से मैं जेनरली यहीं पर हूँ, क्योंकि मेरी जो मैंने कहा यूट्यूब वीडियोस वगैरह अपलोड करनी है, तो एक तो फिलहाल अपलोड हो चुकी है टेक वीडियो पर, और दूसरी वीडियो है जो टेकी में अपलोड होने वाली है उसको मैंने शेड्यूल करके रख दिया है, तो 11 बजे तक अपलोड हो जाएगी वो चीज़। तो फिलहाल अब मैं जाता हूँ बाहर, और एक्चुअली आज टेस्ट भी देना था, मतलब कॉलेज से आज मेरे ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, तो फिलहाल देखा जाए अभी तक क्वेश्चन वगैरह आया नहीं है, जो भी आएगा सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगा, तो देखा जाए कब तक आता नहीं आता, उसका टेस्ट भी देना। फिलहाल अभी मुझे निकलना है चासनाला, एक्चुअली कुछ डॉक्टर के वहाँ पर काम है, तो वहाँ से पहले वो काम करके आते हैं, उसके बाद फिर देखा जाए टेस्ट कब तक आती है, उस पर फिर टेस्ट को भी देना है। फिलहाल जैसे कि आपने कल वाला देखा सेशनल में लिखना था, तो सेशनल मैंने एक क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया था, बाकी क्वेश्चन अभी बाकी थे, तो उसको भी लिखना है। फिलहाल है बहुत सारे काम, फिलहाल आज निकलना होगा नहीं कहीं, जो फिर डॉक्टर घर और वहाँ से आना होगा, उसके बाद कहीं शायद नहीं निकलना होगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता नहीं होता है, बने रहिए ब्लॉग पर, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा सही लगेगी देखने में आपको। तो फिलहाल नाश्ता वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, अब फिलहाल मम्मी को होने दीजिए, उसके बाद फिर वो निकलते हैं यहाँ से डॉक्टर के यहाँ, जो कि हमारे यहाँ से चासनाला सामने ही ज़्यादा दूर है नहीं। अभी टाइम हो रही है फिलहाल 11, और आप मौसम देख पा रहे हैं पूरे बादल बादल कर दिए, और जस्ट मैं भी निकला बाहर तरफ, और ये खड़ा है गाड़ी लेकर, गाड़ी चला चला इस गाड़ी को पूरा चला था, ये दादाजी का गाड़ी है, देखिए बिना चाबी का चला रहा था, चाबी ही नहीं है यहाँ पर, बिना चाबी कैसे चला रहा था हाँ बोलो। वो अपना अपना टेक्निक है, अपना अपना टेक्निक है। हाँ। ती है कुछ मौसम का हाल, 11 बज रही है, लेकिन देख के नहीं लग रही कि 11 बज रही है। इतना बको मत, इस सोमनाथ ऊपर तो देंगे, और ये है हम लोग का ट्री। मौसम बहुत ही सही कर रही है अभी, और मौसम का क्या ही कहा जाए, जस्ट अभी मैं बाहर आया और बाहर ही में रह गया, क्योंकि अब अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली उतना जैसे मैंने जैसे बताया एडिटिंग वगैरह सारी थी, तो एडिटिंग वगैरह कर रहा था, जिस कारण मैं क्या गया बाहर आने का मौका ही नहीं मिला, बट फाइनली अभी बाहर आ चुका हूँ, तो जस्ट यहीं पर आसपास देखते हैं थोड़ी देर। उसके बाद फिलहाल मम्मी लोग भी रेडी हो रही है, जैसे कि मैंने बोला आपको जाना था डॉक्टर के पास, तो रेडी हो रही है, उसके बाद फिर गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं डॉक्टर के पास। फिलहाल निकलता हूँ गाड़ी को बाहर, सारे कुछ रेडी हो चुकी है, मम्मी लोग भी, अब यहाँ से निकलना है। फाइनली मैं अभी हॉस्पिटल पे ही हूँ, जो कि हमारे यहाँ का चासनाला हॉस्पिटल है। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही है, और देखते हैं कितनी लेट होती है, नहीं लेट होती है, उस पर यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल अभी टाइम हो चुकी है 2:30 बज चुकी है, और अभी तक कहीं पर है, अभी टाइम हो चुकी है 6, ट्यूशन वगैरह हो चुकी है कम्प्लीट, तो अब जाके थोड़ी बहुत रिलैक्स और फ्री लग रही है। एक्चुअली सुबह से जैसे कि आप देखें इधर उधर जाना ही पड़ जाती है हर बार, अगर मैं ना भी करूँ तो फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये होना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अगर आप घर में रहोगे तो ये सारी चीज़ आपको करना पड़ता है, और ये सारी करना सही भी रहती है, कुछ गलत नहीं है। तो आज अचानक से एक बड़ी सी हादसा हो गया हमारे यहाँ, मतलब जो आपको रोड में दिखाता था हमेशा से, और जिस रोड का 2-3 वो ब्लॉग भी ऑलरेडी मैंने शूट करके रखा है, तो जिसको आपने ब्लॉग में देखा था, जो मैंने बताया था कि वो रोड से डायरेक्ट हम लोग घर आते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से 2 बाइक एक्सीडेंट हो गई आज, तो कुछ हुआ नहीं, बस सही सब कुछ सही है, बट बहुत ही बेजोड़ एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली इस रोड में पहली बार मुझे एक्सीडेंट देखने को मिलेगी, इसके पहले हम लोगों ने आज तक एक्सीडेंट नहीं देखा था, क्योंकि इस रोड पर एक्सीडेंट हुई ही नहीं थी, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं जाती थी, बट आज पता नहीं क्यों गाड़ी इतनी ज़्यादा फास्ट लेकर आए, 2 बाइक में टकरा गए, और एक बाइक के साथ उसमें जो भी बैठे थे 2 जन उनको अच्छी तरह से चोट लगी, बट जो नेक्स्ट बाइक में था वो स्लो थे तो उनको उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी। तो ये हुई कुछ अचानक से हादसा, तो
जो कि मैं शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली उस जगह पे शूट करना मुझे सही नहीं लगा क्योंकि चारों ओर भीड़ हो गई थी और एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ आ चुकी थी, तो उन लोगों को फिलहाल लेकर गए हैं। आई होप कि जो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आता हमने, अभी कुछ दिन शायद ब्लॉग नहीं आ पाएगी क्योंकि फिर से वापस जो ही असाइनमेंट सिस्टम वगैरह मेरी स्टार्ट हो रही है, तो उसी को लिखते लिखते टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला, तो इस कारण मुझे लग रहा है कि कुछ दिन ये ब्लॉग वगैरह नहीं आ पाएगी। पता नहीं टिक कभी मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह लिखना होता है और ये जुलाई मंथ है, तो इस मंथ के लास्ट में हम लोग का एग्ज़ाम्स वगैरह भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो जिस कारण अभी सारे असाइनमेंट्स वगैरह वो लोग जमा लेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि क्वेश्चन वो लोग भेजे जाते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर लिख के भेजते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, तो आप इस चीज़ से जैसे रिलेट कर पाओगे कितने ज़्यादा ये असाइनमेंट वगैरह का प्रेशर रहती है। तो फिलहाल देखा जाए, ये जब तक कंप्लीट नहीं थे तब तक ब्लॉगिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। और मैं सोच रहा था कि दो तीन जगह और जाने का, बट फिर प्रॉब्लम वही है, ये अगर उधर जाऊंगा तो फिर इधर सारे कुछ छूट जाएगी, तभी कहीं निकलना भी नहीं होगा फिर। अब पता नहीं, मैंने एग्ज़ाम जुलाई का लास्ट में होगा तब एग्ज़ाम देखा जाए, अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है एक ऑनलाइन होती है वो उसको भी मैं कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पता नहीं है। तो सारे आपको आगे का ब्लॉग्स में देखने को मिल ही जाएगी जैसा होगा नहीं होगा। तो फिलहाल देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ब्लॉग बनाने का, फिर भी अगर फिर टाइम ना मिले तो फिर आपको कुछ दिन ब्लॉग हो सकती है कि नहीं मिलेगी। फाइनली फिलहाल अभी टाइम हो रही है 11 और ब्लॉग मेरी एडिट हो चुकी है, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं ब्लॉग एडिट हो चुकी है। और अब मैं करता हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छी लगी होगी। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि वीडियो को थोड़ी रीच मिल सके और छोटी सी चैनल ग्रो कर पाए। मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।